Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 11 and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 251 to question number 275. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom Entrance Exam, MCom Entrance Exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 251 क्वेश्चन है हमारा। नेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। हमें भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन एचडीएफसी लाइफ, तीसरा ऑप्शन बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज एचडीएफसी लाइफ। ऑप्शन बी एचडीएफसी लाइफ इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 252 क्वेश्चन है हमारा। What is the maximum age requirement to apply for the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को अप्लाई करने के लिए, ये जो इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री द्वारा, इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, जो कम से कम एज है वो 18 साल है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एज बताइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन 70 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 65 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 60 इयर्स और चौथा ऑप्शन 55 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 70 इयर्स इज द मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन ए 70 इयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 253 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में कुल मिलाकर के कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 19 और चौथा ऑप्शन 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। ऑप्शन डी 24 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 254 क्वेश्चन है हमारा। The SBI Life Insurance is a joint venture between State Bank of India and, ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि SBI Life Insurance एक joint venture है SBI Bank के बीच में और किसके साथ। पहला ऑप्शन AXA, AXA, दूसरा ऑप्शन MetLife, तीसरा ऑप्शन BNP Paribas Cardiff और चौथा ऑप्शन Aviva। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी BNP Paribas Cardiff। The SBI Life Insurance is a joint venture between the State Bank of India and BNP Paribas Cardiff। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 255 क्वेश्चन है हमारा। Which is the first private sector reinsurance company in India? भारत की पहली private sector reinsurance company कौन सी है? पहला ऑप्शन श्रीराम रीइंश्योरेंस लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन ITI रीइंश्योरेंस लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन सिग्ना रीइंश्योरेंस लिमिटेड और चौथा ऑप्शन स्टार रीइंश्योरेंस लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, भारत में सिर्फ दो रीइंश्योरेंस कंपनी है, पहला GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो दूसरी है वो है ITI रीइंश्योरेंस लिमिटेड। इसके ऊपर भी पहले सवाल आ चुके हैं, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आप ये जान रहे होंगे, आपको ये आइडिया पहले ही लग गया होगा कि भारत में सिर्फ दो ही रीइंश्योरेंस कंपनी है, पहला ITI रीइंश्योरेंस लिमिटेड और ये एक प्राइवेट कंपनी है, दूसरा है GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी एक रीइंश्योरेंस कंपनी है, दो रीइंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी ITI रीइंश्योरेंस लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 256 क्वेश्चन है हमारा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल पॉलिसीज इनटू अ सिंगल पॉलिसी इज नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल पॉलिसीज को जब हम एक सिंगल पॉलिसी में कंबाइन कर दें तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कंबाइंड पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन ग्रुप पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन मल्टीपल पॉलिसी और चौथा ऑप्शन पैकेज पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पैकेज पॉलिसी।
जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल पॉलिसीज को एक पॉलिसी में कंबाइन कर देते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे पैकेज पॉलिसी कंसिडर करते हैं. ऑप्शन डी पैकेज पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 257 क्वेश्चन है हमारा. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ 100% इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. इनमें से कौन सी कंपनी 100% भारतीयों द्वारा ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है. पहला ऑप्शन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज द 100% इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ऑप्शन ए एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 258 क्वेश्चन है हमारा. द IRDA established Institute of Insurance and Risk Management is located in which city? जो Insurance Regulatory Development Authority द्वारा established Institute of Insurance and Risk Management किस सिटी में located है. पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन न्यू दिल्ली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 259 क्वेश्चन है हमारा. हाउ मेनी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज आर फंक्शनल इन इंडिया. सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज फंक्शनल हैं. पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 4. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4. चार इंश्योरेंस रिपोजिटरीज आर फंक्शनल इन इंडिया. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि IRDA ने ओरिजिनली 5 कंपनीज को यह लाइसेंस दिया था. ठीक है, उन्होंने 5 कंपनीज को जब लाइसेंस दिया था तो उसमें से एक कंपनी थी जिसका नाम है SHCIL Projects Limited. इन्होंने अपना जो रिपोजिटरी का लाइसेंस है वो सितंबर 2015 को सरेंडर कर दिया था IRDA को. तो बची 4 कंपनीज, तो वो चारों कंपनी अभी फिलहाल में फंक्शनल है. ठीक है, ऑप्शन डी 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 260 क्वेश्चन है हमारा. विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू बी लिस्टेड ऑन NSE NBSE. सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी भारत में पहली कंपनी है जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया. पहला ऑप्शन HDFC लाइफ, दूसरा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन SBI लाइफ. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू बी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 261 क्वेश्चन है हमारा. नेम द इंटरनेशनल बॉडी दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस. सवाल पूछा जा रहा है कि एक इंटरनेशनल बॉडी का नाम बताइए जो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं. ऐसी भी कंपनियां हैं, बताइए. पहला ऑप्शन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तीसरा ऑप्शन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. इट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 262 क्वेश्चन है हमारा. द IRDA अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन टू द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इन विच ईयर. इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इंश्योरेंस सेक्टर में आने की अनुमति, मतलब एंट्री कब परमिशन दिया, किस साल परमिट किया था. ठीक है, एंट्री अलाउ कर दी थी. पहला ऑप्शन इन द ईयर 2000, दूसरा ऑप्शन इन द ईयर 2004, तीसरा ऑप्शन इन द ईयर 2009 और चौथा ऑप्शन इन द ईयर 2006. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द ईयर 2000. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. इन द ईयर 2000 IRDA allowed the entry of private sector into the Indian insurance sector. ठीक है, 1999 में IRDA Act बना था और अगले ही साल इन्होंने private sector companies को insurance में entry दे दी.
ऑप्शन ए 2000 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 263 क्वेश्चन है हमारा, एंड इंश्योरेंस कंपनी दैट पासिस द पार्ट और ऑल ऑफ इट्स रिस्क फ्रॉम इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टफोलियो टू अ री इंश्योरेंस फर्म इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो अपना पार्टली मतलब कुछ हिस्सा रिस्क का या पूरा का पूरा रिस्क अपने से किसी दूसरे री इंश्योरर को ट्रांसफर कर दे तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, एन इंश्योरेंस कंपनी दैट पासिस द पार्ट और ऑल ऑफ इट्स रिस्क फ्रॉम इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टफोलियो टू अ री इंश्योरेंस फर्म इज नोन एज, पहला ऑप्शन रिलिंक्विशिंग कंपनी, दूसरा ऑप्शन रिनाउंस्ड कंपनी, तीसरा ऑप्शन डिपेंडेंट कंपनी और चौथा ऑप्शन सेडिंग कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंश्योरेंस कंपनी दैट पासिस द पार्ट और ऑल ऑफ इट्स रिस्क फ्रॉम इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टफोलियो टू अ री इंश्योरेंस फर्म इज नोन एज सेडिंग कंपनी। ऑप्शन डी सेडिंग कंपनी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सेडिंग कंपनी एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 264 क्वेश्चन है हमारा, फ्लोटर इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू डैश। जो फ्लोटर इंश्योरेंस है वो इनमें से किसका कवरेज नहीं देता। पहला ऑप्शन एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, दूसरा ऑप्शन एंटीक इक्विपमेंट, तीसरा ऑप्शन हाउस और चौथा ऑप्शन रेयर कॉइन एंड कलेक्शंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हाउस। फ्लोटर इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू हाउस। ऑप्शन सी हाउस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 265 क्वेश्चन है हमारा, द ओनर ऑफ एन असेट हु ग्रांट्स इट एट लीज टू अदर पार्टी इज ऑल्सो नोन एज डैश। ठीक है, इन्होंने बोला द ओनर ऑफ एन असेट, एक असेट का मालिक जो उस असेट को लीज पे देता है किसी दूसरी पार्टी को, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन लैप्सी, दूसरा ऑप्शन लेसर, तीसरा ऑप्शन लेसी और चौथा ऑप्शन लायबल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लेसर। द ओनर ऑफ एन असेट हु ग्रांट्स इट एट लीज टू अनदर पार्टी इज ऑल्सो नोन एज लेसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 266 क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज कंप्लीटली अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ आईएनजी वास्या लाइफ इंश्योरेंस। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने आईएनजी वास्या लाइफ इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस अक्वायर कर लिया। पहला ऑप्शन एक्साइड इंडस्ट्रीज, दूसरा ऑप्शन अविवा, तीसरा ऑप्शन रिलायंस और चौथा ऑप्शन मेटलाइफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एक्साइड इंडस्ट्रीज इज द कंपनी हु हैज कंप्लीटली अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ आईएनजी वास्या लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए एक्साइड इंडस्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 267 क्वेश्चन है हमारा, द इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टू इंडियन बैंक्स एंड यूके बेस्ड फर्म लीगल एंड जनरल, नेम द टू बैंक्स। सवाल पूछा जा रहा है कि जो भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है दो बैंक्स के बीच में और साथ ही साथ यूके बेस्ड फर्म लीगल और जनरल के बीच में। हमें बताना है कि वो जो भारत की दो बैंक्स है उनका नाम क्या है। पहला ऑप्शन यूको बैंक एंड आंध्रा बैंक, दूसरा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 268 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एंटिटीज इन इंडिया आर ऑथराइज टू ओपन इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। भारत में कितनी एंटिटीज को ऑथराइजेशन मिला है इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट खोलने का, या ई इंश्योरेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन ऑल इंश्योरेंस कंपनीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 4। फोर एंटिटीज इन इंडिया आर ऑथराइज्ड टू ओपन इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट या ई इंश्योरेंस अकाउंट।
इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि IRDA has granted the certificate of registration to four entities to act as insurance repositories that are authorized to open e-insurance accounts. तो ऑप्शन ए four entities is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 269 क्वेश्चन है हमारा HDFC Ergo General Insurance Company Limited is a joint venture between HDFC Limited and Ergo International AG. What is the stake of HDFC in the company? सवाल पूछा जा रहा है कि HDFC का स्टेक बताइए HDFC Ergo में जो joint venture company है HDFC Limited और Ergo International AG के बीच में. तो we have four options. पहला option 62%, दूसरा option 51%, तीसरा option 49% और चौथा option 80%. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 51%. जो HDFC कंपनी का स्टेक है HDFC Ergo में वो है 51% का, मतलब वो एक हिसाब से रूलिंग कंपनी बन चुकी है. ठीक है, ओनरशिप HDFC के पास आ चुकी है. 51% शेयर का मतलब मालिक बनकर के बैठी है. ऑप्शन बी 51% इज द करेक्ट. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 270 क्वेश्चन है हमारा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी इज बेस्ड इन गुड़गांव. गुड़गांव अब तो नाम हो गया गुरुग्राम. ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो गुड़गांव में बेस्ड है. पहला ऑप्शन मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड is the insurance company which is based in Gurgaon या Gurugram. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला question question number 271 question है हमारा the HDFC life insurance was previously known as Dash. सवाल पूछा जा रहा है कि जो HDFC life insurance है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी. पहला option HDFC Ergo life insurance, दूसरा option HDFC Prudential life insurance, तीसरा ऑप्शन HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन HDFC सन लाइफ इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस. द HDFC लाइफ इंश्योरेंस वाज प्रीवियसली नोन एज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 272 क्वेश्चन है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स is located at. सवाल पूछा जा रहा है कि IAIS that is International Association of Insurance Supervisors का जो हेडक्वार्टर है वो कहां located है. पहला ऑप्शन जिनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन बर्लिन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन सिंगापुर और चौथा ऑप्शन बसेल स्विट्जरलैंड. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बसेल स्विट्जरलैंड. द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर इज लोकेटेड एट बसेल स्विट्जरलैंड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 273 क्वेश्चन है हमारा योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्लोगन ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, आई जस्ट होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किस इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन है. पहला ऑप्शन है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्लोगन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 274 क्वेश्चन है हमारा Which among the following is the largest non-bank private sector life insurer in India? सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा largest non-bank private sector life insurer है भारत में. पहला ऑप्शन टाटा AIA life insurance company limited, दूसरा max life insurance company limited, तीसरा Exide life insurance company limited और चौथा बजाज Allianz life insurance company limited. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द लार्जेस्ट नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरर इन इंडिया. ऑप्शन बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 275 क्वेश्चन है हमारा
GICRE receives statutory cession of -% on each and every policy subject to certain limits. ठीक है, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि जो GICRE है, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो री इंश्योरेंस कंपनी है, वो रिसीव करती है स्टैचुटरी सीशन ऑफ हाउ मच परसेंट. ठीक है, हर एक पॉलिसी पे कितना परसेंट मिलता है. पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन 2% और चौथा ऑप्शन 5%. इस प्रश्न का सही उत्तर है GICRE receives statutory cession of 5% on each and every policy subject to certain limits. ऑप्शन डी 5% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, गुड डे, टाटा बाय.